नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। जापान नाम सुने तो आपके दिमाग में क्या आता है? सी फूड, वहां का कल्चर, वहां के पॉप आर्टिस्ट। के पॉप तो आप सब लोगों को जरूर ही पसंद होगा, आपने गाने सुने भी होंगे। लेकिन जापान से ही अभी एक और खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर वो 1.3 करोड़ लीटर पानी अब समुद्र में छोड़ने की तैयारी में है। दरअसल आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि समुद्र में पानी छोड़ रहे हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल ये पूरा का पानी है रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि अगर इस पानी को किसी तरीके से लोग कंज्यूम करते हैं किसी और रिसोर्सेज से, किसी और तरीके से, तो उनमें कैंसर और विकलांगता होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब आप में से ज्यादातर ये लोग ये सोचेंगे कि यूएन ने इसको अलाउ कैसे किया। इन सब के बारे में बात करेंगे आज की खास खबर में। लेकिन उससे पहले आज की कुछ हेडलाइंस, ताकि आपको दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ा सा पता लग जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बारे में। दरअसल यूपी के मुजफ्फरपुर नगर से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक महिला टीचर अपनी क्लास में एक छात्र को दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बच्चा मुस्लिम समुदाय से आता है। मामला जिले के नेहा पब्लिक स्कूल का है। लड़के से इतनी गलती हुई थी कि वो अपना होमवर्क करके नहीं लाया था, लेकिन आरोपी टीचर तृप्ति ताकि ने उसके ऊपर समुदाय विशेष होने की वजह से सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दुर्व्यवहार का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। छात्र के परिजनों ने महिला के साथ में फैसला कर लिया है और इसके बाद में ये पूरा मामला पुलिस के अंडर में आ गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर से वायरल वीडियो कथित तौर पर 24 अगस्त का बताया जा रहा है। जो महिला है वो काफी ज्यादा एज में है, उनकी जो हालत है कहा जा रहा है कि वो विकलांग है, जिसकी वजह से वो खुद तो मार नहीं सकती थी बच्चों को। उसके बाद में उन महिला की तरफ से भी पुलिस के द्वारा ये बयान रिकॉर्ड किया गया कि वो बच्चे को मार नहीं सकती थी, और जो बच्चे थे ये जो मुस्लिम समुदाय से आते थे कथित तौर पर, वो बच्चे पढ़ने में काफी ज्यादा कमजोर थे, उनके माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया करते थे। इसी वजह से उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों को तो सिर्फ मारना ही चाहिए। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी इसमें क्लेरिफिकेशन दिया गया है। स्कूल के ऊपर जो जरूरी कार्यवाही है, जो धाराएं हैं, वो लगाई जा चुकी है। आर्टिकल 17 की तरफ से इसके ऊपर अब जांच बिठाई जाएगी और जो भी मामला सामने आएगा वो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। कुछ लोग इसे कम्युनल एंगल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है मद्रास से। चेन्नई के अंदर मद्रास में रेलवे स्टेशन के ऊपर स्थित एक बोगी के अंदर आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि सुबह 5:15 पर कुछ लोग साथ में बैठकर कॉफी बना रहे थे, तभी वहां पर पड़े गैस सिलेंडर के अंदर आग लग गई और उसमें विस्फोट होने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग अभी भी घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सरकार का ये कहना है कि इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे और साथ में आग के ऊपर काबू भी पा लिया गया है। अभी जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर है। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है हरियाणा के ब्रिज मंडल यात्रा से रिलेटेड। दरअसल हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूह में एक बार फिर से बल्क मैसेज और मोबाइल इंटरनेट की सेवा को रद्द कर दिया गया है। नूह प्रशासन ने यह फैसला कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए दिया है। हिंदुवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि वो अपनी ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा नहीं रोकेंगे। उनकी यात्रा 28 अगस्त को प्रसारित की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है, लेकिन धार्मिक संगठनों ने कहा है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। राज्य के गृह विभाग ने यह भी कहा है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गलत सूचना और अफवाहों को प्रसार करने के ऊपर रोक लगाई जाएगी। नूह जिला में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाएगी। बल्क मैसेजेस को भी बंद कर दिया जाएगा और दूसरी सभी डोंगल सेवाएं भी निलंबित कर दी जाएगी। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज का विकल्प खुला रहेगा। अब बात कर लेते हैं आज की खास खबर के बारे में। साल 2011 मार्च का दिन, फुकुशिमा के जस्ट पास में समुद्र के अंदर एक भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता 9.1 बताई जाती है। भूकंप आने के तुरंत बाद समुद्र के अंदर 40 फीट ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती है। 10 मिनट के अंदर ये पूरे फुकुशिमा आइलैंड के अंदर पहुंच जाती है। पहुंचने के अंदर ही तकरीबन 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। 1,20,000 से भी ज्यादा घर टूट जाते हैं और कई लाखों लोग इस एरिया को छोड़कर निकल जाते हैं। कई लोग इसमें मारे भी जाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दुनिया का हादसा होता है न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसे बोला जाता है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डिजास्टर था वो। इसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल था उसके अंदर आग लगने की वजह से पूरे इलाके के अंदर रेडियो एक्टिव किरणें फैलना शुरू हो गई थी। वो आज भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन उसी समय वहां के जो लोग थे उन्होंने तुरंत वहां की जो रोड्स थी उनको न्यूक्लियर फ्यूजन से अलग कर दिया था। अलग करने के बाद में ही तुरंत जनरेटर स्टार्ट किए ताकि कूलेंट की वजह से किसी तरीके से उस रिएक्टर को रोका जाए। अब ये सुनामी आने के जस्ट 10 मिनट के अंदर किया गया था। सुनामी की पानी की वजह से वो जनरेटर भी खराब हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कचरा था पूरा वो आसपास के इलाकों में फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन जापान है जो न्यूक्लियर डिजास्टर के रोकने में सबसे आगे माना जाता है, तो उसने तुरंत उस सारा पानी जो कि रेडियो एक्टिव हो चुका था उसको वहीं पर रोक लिया जाता है। उसके बाद में उसको प्योरीफाई करके वापस कंटेनर्स में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और आज भी मामला शुरू है।
वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो 2014 तक इसके दो अलग पावर प्लांट्स को भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन जिस पावर प्लांट के अंदर ये सारा डिजास्टर हुआ था, जहां पर विस्फोट हुआ था, उसको इसी तरीके से पानी की वजह से वापस कूल किया जाता है। दरअसल जो न्यूक्लियर ईंधन बचा था, अंदर फ्यूल बचा था, वो लगातार गर्म होता गया, उसको रोकने के लिए रोड लगाई जाती है और उस रोड को ठंडा करने के लिए काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही इस पानी को न्यूक्लियर रोड से निकाला जाता है, वो खुद भी न्यूक्लियर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में जापान क्या करता है, इस पूरे पानी को वापस से प्योरीफाई करता है, उसको रिफाइन करता है, उस कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो कैडमियम की मात्रा है वो इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है लोगों को। 2018 के अंदर भी जापान ने किसी तरीके से पानी छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी दुनिया के दबाव होने के कारण उसको वापस अपने कंटेनर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आज देखा जाए तो फुकुशिमा के अंदर तकरीबन 1000 से भी ज्यादा कंटेनर हो चुके हैं, जिसके अंदर 1,30,00,000 लीटर पानी इकट्ठा हो चुका है। अब जापान को इसे मेंटेन करने के अंदर काफी ज्यादा पैसा लगता है, बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल खर्चा आता है इसके अंदर। वहीं बात करें तो जापान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मार्केट होता है सी फूड का। दरअसल जापान कम से कम $2.6 बिलियन का जो सी फूड होता है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के लोगों की ज्यादातर जो आम लोग होते हैं उनकी जो कमाई होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो ज्यादातर एक्सपोर्ट है वो चाइना, साउथ कोरिया और हांगकांग के अंदर होता है, नॉर्थ कोरिया के अंदर तो नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों के रिश्ते आपस में ठीक नहीं है। लेकिन चाइना के अंदर यहाँ पर ज्यादा 46% इनके पूरे सी फूड का जो एक्सपोर्ट होता है। लेकिन चाइना ने जब ये सुना कि जापान अब इसे छोड़ने के शुरू कर चुका है, इसे छोड़ने की तैयारी के अंदर है, तो उसने तुरंत वहां पर बैन लगा दिया। दरअसल चाइना और साउथ कोरिया का ये कहना है कि अगर जापान इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टिव पानी को समुद्र के अंदर छोड़ेगी तो वहां की जो मछलियां हैं वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगी और उसे खाने के बाद में यहां के लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। वहीं बात करें यूएन की तो यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है IAEA, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इनका कहना है कि जापान जिस तरीके से इसको प्योरीफाई करती है उससे अगर इसको समुद्र में डाला भी जाए तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, मछलियां इससे रेडियो एक्टिव नहीं होगा। लेकिन फिर भी चाइना और साउथ कोरिया से मानने को तैयार नहीं है। कुछ दिनों के बाद में साउथ कोरिया भी मान गया था कि चलो कोई नहीं, इसको छोड़ दिया जाए, यूएन की रिपोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन चाइना ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और उसे लगातार धमकी दे रहा है कि उस पानी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जापान कहां किसी की सुनता है, उसने 24 अगस्त 2023 से पानी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले चरण के अंदर 3.9 क्यूबिक मीटर पानी है वो तकरीबन समुद्र के अंदर छोड़ना शुरू कर देंगे और इस पूरे पानी को समुद्र के अंदर छोड़ने में तकरीबन 30 साल का समय लगेगा। और वापस जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कचरा है उसे किसी तरीके से वापस डिस्टेरिलाइज करना शुरू कर देंगे ताकि इस पूरे प्रॉब्लम को किसी तरीके से सोल्व कर दिया जाए। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से यानी यूएन बॉडी के हिसाब से इस पानी से इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि इससे नुकसान होता है या फिर नहीं होता है। देखा जाए तो WHO की इसके ऊपर रिपोर्ट आई है, उनका भी कहना है कि इसके इससे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है समुद्र और सी के जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर। लेकिन जापान की इस हरकत के ऊपर चाइना इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर चाइना ने उसके ऊपर बैन लगा दिया और बाद में साउथ कोरिया की बात करें तो वहां की जनता भी लगातार प्रोटेस्ट के अंदर है और 80% जनता का ये कहना है कि उनको जापान से जो मार्केट से जो फिश मंगाते हैं उसको बैन लगा देना चाहिए। हालांकि बैन तो नहीं लगाया है, लेकिन अगर लोग खरीदने से मना कर देंगे तो बैन तो ऑटोमेटिक वैसे ही लग जाएगा। आप इस पूरी खबर के ऊपर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए TV Bharat 24। जय हिंद, जय भारत।